दोस्तों जिस चीज़ का आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। फाइनली पठान मूवी का सेंसर रिपोर्ट आ चुका है। आखिरकार पठान मूवी को कौन सा सर्टिफिकेट मिला है, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि पठान का रन टाइम कितना है, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आखिरकार मूवी में कहाँ पे कट्स किए गए हैं, कितने चीज़ों में बदलाव किया गया है, क्या चीज़ें रिप्लेस की गई हैं, सारी चीज़ें हम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये जानते होंगे कि पठान मूवी में एज ए मेन कैरेक्टर के तौर पर दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान साहब, जॉन अब्राहम, डिंपल कपाड़िया, आशुतोष राणा है। वेल देखा जाए तो इस फिल्म के भीतर जी हाँ कंट्रोवर्सी होने के बाद काफ़ी चीज़ों पर बदलाव किया गया है। इसके सॉन्ग्स में भी बदलाव किए गए हैं, वहीं काफ़ी जगहों पर इसके डायलॉग्स में भी बदलाव किए गए हैं। वेल सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी जिस सॉन्ग पर हुई थी, जी हाँ बेशरम रंग, इस पर क्या बदलाव किया गया है, तो आपको बता दें कि इसका जो टोन है उसे डाउन कर दिया गया है। दूसरी चीज़, इस सॉन्ग में जो तंग किया वर्ड यूज़ किया गया था, वहाँ पर उस सीन को ट्रिम कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, और वहाँ पर कुछ नई सीन्स को ऐड कर दिया गया है। वेल देखा जाए तो इसके अलावा भी दो और जगह हैं जहाँ पर कट किया गया है, रिप्लेस किया गया है, और ऐसे देखा जाए तो इसमें एक्शन सीन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, कुछ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब बात आती है डायलॉग्स पे, डायलॉग्स में भी कुछ जगहों पर रिप्लेसमेंट किया गया है अदर डायलॉग्स के साथ, दूसरे डायलॉग्स भी वहाँ पर रिप्लेस किए गए हैं। अब वहाँ पे एक और चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ बदलाव देखने को मिली है सेंसर बोर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आई है, वो ये है कि इसमें एक रॉ एजेंट का जो करेक्टर है उसके करेक्टर में कुछ बदलाव किया गया है। जहाँ एक रॉ एजेंट का किरदार कर रहा होता है उसके करेक्टर में कुछ बदलाव कर दिया गया है, वो जो करेक्टर कर रहा होता है उसमें कुछ इसके चेंजेस लाए गए हैं। वेल इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा गया है सेंसर बोर्ड के द्वारा जिसकी वजह से आगे चल के कोई भी कंट्रोवर्सी हो। वेल हम बात करते हैं कि आखिरकार पठान मूवी को कौन सा सर्टिफिकेट दिया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से। पठान मूवी को यूएस सर्टिफिकेट मिला है। वहीं आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि आखिरकार इसका रन टाइम कितना है। इस फिल्म का जो रन टाइम है वो है 146 मिनट की, जो कि काफ़ी शार्प और क्रिप रन टाइम है, यानी कि 2 घंटे 26 मिनट और 20 सेकंड की यह फिल्म है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक मूवी को जितना रन टाइम होना चाहिए उस लेवल का रन टाइम है। देखा जाए तो इस फिल्म को लेकर जो भी बदलाव किए गए हैं बहुत ही माइनर लेवल पे ही चेंजेस आए हैं, जिससे कंट्रोवर्सी हो सकती थी, और CBFC ने वही कदम उठाया है जितना ज़रूरी था। आगे चल के कोई भी मुद्दा ना बने, आगे चल के कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो इस फिल्म के लिए, इसीलिए CBFC ने कुछ बदलाव किए, लेकिन वो भी माइनर लेवल पे किए हैं। उस पर ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। कुछ सीन के जगह पे कुछ सीन जैसे सॉन्ग्स को लेकर था तो थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया गया, कुछ जगहों पे डायलॉग्स को लेकर था इशू तो उसमें थोड़ा बदलाव किया गया, और कुछ एक कैरेक्टर को लेकर था जो कि रॉय एजेंट का कैरेक्टर था उसमें भी थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया, वो भी माइनर लेवल का। तो इस तरह से ज़्यादा कुछ इशू है नहीं, इतना बहुत सारी फिल्मों में होता है। मैंने काफ़ी फिल्मों का रिव्यू किया है उसके सेंसर के रिपोर्ट्स को, वैसे मैं यही कहूँगा कि बहुत ही माइनर लेवल पर इस पठान मूवी का बदलाव हुआ है। फिलहाल पठान मूवी का रन टाइम तो आप जान ही चुके हैं, 2 घंटे 26 मिनट 20 सेकंड की फिल्म है, और ये काफ़ी क्रिस्प रन टाइम है। मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी फिल्म है। वैसे आपके हिसाब से क्या लगता है इस फिल्म के रन टाइम को लेकर, आपकी क्या ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए। मिलते हैं रिपोर्ट में जो कि होगा आपके लिए काफ़ी।